आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाली तीन तरह की पॉप्सिकल की ऐसी रेसिपी जो कि आपको सभी को बहुत पसंद आएगी। आपको बचपन के दिन याद आ जाएंगे, हम बचपन में ऐसी ही पॉप्सिकल्स खाया करते थे ना। तो चलिए एक बार फिर से बचपन के दिनों को याद करते हैं। इन पॉप्सिकल्स को बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। मैं आज आप सभी को इन पॉप्सिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, जिससे आप इसे ईजिली बना पाएंगे और सबको खिला सकेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे कि आपकी पॉप्सिकल्स भी बहुत बढ़िया बनेंगी। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थी ग्रेविंस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्थी ग्रेविंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज तीन तरह की पॉप्सिकल बना रही हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे हम रेड वाली। तो उसके लिए एक बाउल में लेंगे 1/2 कप पानी और 2 चम्मच डालेंगे उसमें पाउडर शुगर। आप सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ में डाल देंगे ये गुलाब वाला शरबत। आप इसकी जगह पे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच और इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। देखिए पहला वाला जो है हमारा बेस तैयार हो गया है। अब दूसरा बनाएंगे हम ग्रीन वाला। तो उसके लिए दूसरा बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी और 2 चम्मच पाउडर शुगर। और इसमें डालेंगे हम ग्रीन कलर वाला खस का शरबत 3 बड़े चम्मच। इससे बहुत अच्छी आपकी पॉप्सिकल बनेगी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए हमारे ये 2 तरह के बेस जो हैं रेडी हो गए हैं, रेड और ग्रीन। अब बना लेते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाला बना रही हूँ मैं आज ग्लूकोज से। तो देखिए इसके लिए हमने तीसरा बाउल लिया है और 1/2 कप पानी डाल दिया है। 2 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे और 3 से 4 चम्मच डालेंगे ऑरेंज फ्लेवर ग्लूकोंडी। इसकी भी पॉप्सिकल बहुत अच्छी बनती है, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसका भी देखिए कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ये पॉप्सिकल्स फलों के रस से भी बना सकते हैं, जैसे इसकी जगह पे हम ऑरेंज जूस से बना सकते हैं। देखिए हमारा ये तीसरा बेस भी तैयार हो गया है। अब मैंने ले लिया है ये पॉप्सिकल का इस तरह का सांचा, ये मेरे पास है इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं हो तो मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी। तो देखिए 2 वाले जो पॉप्सिकल के सांचे हैं उसमें तो मैं डाल रही हूँ रेड कलर, बीच में डाल देंगे ये ग्रीन कलर वाला। आपको मीठा जैसे ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब लास्ट वाले में डाल रही हूँ मैं ये ऑरेंज वाली। देखिए जो बचे हुए हैं इसका हम भी और बनाएंगे। अब इनके जो है हम ये ऊपर जो कैप आती है ना वो लगा देंगे। इससे बिल्कुल आपको ये मार्केट में जैसे मिलती है ना वैसे ही पॉप्सिकल तैयार होंगी। देखिए हमने ये 6 इसमें सांचों में भर दिए। अब इसे रखेंगे हम फ्रीज़र में करीबन 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में पॉप्सिकल सांचा नहीं है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, ये डिस्पोजेबल जो कप या गिलास आते हैं ना इनमें भी हम पॉप्सिकल जमा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 3-4 कप ले लिए हैं और इसमें जो है ये बचे हुए जो हमारा शरबत है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इनके ऊपर लगा देंगे हम सिल्वर फॉइल, जिससे ये अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाएंगे। अब बीच में देखिए नाइफ से होल करके इसमें लगा देंगे हम ये आइसक्रीम स्टिक। अब इन्हें भी उठा के हम रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए, या सिर्फ कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। लीजिए अगले दिन हम इन पॉप्सिकल्स को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इन्हें ओवरनाइट के लिए रखा था, अब इसे हम इसमें से डीमोल्ड करेंगे। आप देखिए कितनी बढ़िया पॉप्सिकल रेडी हुई है, लग रही है ना बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट जैसी। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये पिघलने लगी है, तो इन्हें मैं जल्दी से निकाल रही हूँ। देखिए दूसरी वाली भी ग्रीन वाली हमारी कितनी बढ़िया बनी है, और ये तीसरी वाली मैं आपको ऑरेंज वाली भी निकाल के बता रही हूँ। देखिए मेरी ये तीनों पॉप्सिकल्स ही बहुत बढ़िया बनी हैं। तेज़ गर्मी की होने की वजह से ये जल्दी से पिघलने लगती हैं। लीजिए हमारे ये
तीन तरह की बहुत ही टेस्टी इजी पॉप्सिकल्स तैयार हैं। अब इन्हें आप जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की रंग बिरंगी पॉप्सिकल्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।